191 सारे ही आउट। तो यार कोई खुदा का खौफ करें आप, क्या मैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही आप सर। आपने इमरान तो मुसलसल कह रहा था, फराज आप यार किस भाई देख लिया आपने अपना मिडल ऑर्डर, आपने देख लिया आपने मिडल ऑर्डर, अजीब बात है यार। आप ऐसे कहते हैं कि भाई पाकिस्तान मैच वैसे ऐसे क्या किया उन्होंने, नहीं देखे बात पता क्या, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, डिसअपॉइंटेड हम भी हुए हैं और बहुत बुरी तरह हुए हैं, जबकि आपके 152 पे दो आउट के बाद जब पूरी टीम 191 पे आउट हो जाए ये तो बहुत बुरा है हमारे लिए, डिसअपॉइंटेड होने के लिए बहुत जरूरी है। स्कोर पे 8 आउट यार, सिर्फ 2-3 आउट हुए हमारे पहले, जो अच्छी पार्टनरशिप कर गए, वो वैसे तो अच्छी पार्टनरशिप कर गए लेकिन उसके बाद देखने पूरी टीम क्लैप्स कर गई, वो आउट हुए तो नहीं। तो आप आपने तो देखे ना, वो 7 ओवर में 50 के करीब चले गए हैं, वो उन्होंने जो इब्तदाई तौर पे किया है एक आउट है, वो तो मेरा ख्याल है 15 ओवरों में स्कोर पूरा कर लेंगे। वो T20 खेलने आए हैं यार, T20 खेलने आए हैं फराज, क्या यार वैसे इमरान की मैं दाद दूंगा कि इमरान को पहले ही लग रहा था, लोग कहते हैं वो कहते हैं जी तुसी कौमी मामला नहीं भेजते तुसी बादी हो जाते हो, बात तो वही है ग्राउंड में। अच्छा इसमें कहानी है क्या सर, मुझे लगता है क्राउड का जो ना प्रेशर ले गए वो सर, बात यह है कि ना देखें क्राउड का प्रेशर भी है, सेकंड जो सबसे बड़ा हमारे लिए मसला रहा है ना मिडिल ऑर्डर में, जब भी आगे हम कोलैप्स करके गए हैं ना हमेशा, जब प्रेशर में आए हैं तो हम प्रेशर में कभी भी उनको बिल्ड करना ही नहीं आया, उससे निकलना नहीं आया, निकलना नहीं आया, और यही सबसे बड़ा मसला है हमारा। और आगे भी जिस तरह आगे वर्ल्ड कप के मैच, अब हालांकि अभी हमने और मैचेस खेलने हैं, हम अभी वर्ल्ड कप में इन जरूर हैं, पर ये है कि देख लें कि इंडिया के खिलाफ हम किस तरह चल सकते हैं, ये कभी नहीं चल सकते इस पोजीशन में, तो नहीं चल सकते। चाहे बेशक हमारे अब्दुल्ला शफीक ने पहले पार्टनरशिप पिछले मैच में 100 किया, पर इसके अलावा अगर आप बात करते हैं ना कि अगर इस सारी टीमों के बाद बाबर की समझ नहीं आ रही किस बात का दबाव, 50 करके आउट हो गए, मुझे लगता है 50 करनी आया था बस, वो शुक्र करे वो इस दफा 50 भी कर गए सर। वो देखिए अगर 50 ना करता ना तो वो तो सर ज्यादा मसला, पहले बाद में आकर लोगों ने कुछ नहीं ना किया हमारे खिलाड़ियों ने, तो ये भी ना करता फिर, ये भी हमारे पे सहारा करता, आपको क्या मतलब शो भी ना करता पाकिस्तान, फिर ना करता ना भाई, जैसी ऐसी इतना गंदा आपने हारना था तो ना करता भाई, नहीं देखे एक तो उम्मीद तो है ना लोगों की, उम्मीद तो दुनिया कायम है ना, उम्मीदें टूट गई तो दुनिया जाओ। कौमी टीम जब भी वर्ल्ड कप में इंडिया के सामने आती है उसकी कारकर्दगी आसमान से आती है नीचे, और फिर वो रास्ता तलाश करते हैं। आप ये जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच डू और डाई वाला बिल्कुल ऐसी है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती दोनों तरफ से। आज पूरे टूर्नामेंट में अब तक आपको ग्राउंड खाली नजर आएंगे, जो आज क्राउड नजर आज क्राउड ठीक है, फुल था। ये इमरान जो कह रहे हैं कि क्राउड का प्रेशर है, और यार ये पहली दफा मैदान में उतरे, हाँ ऐसे ही सर, पहली दफा बाकी नहीं होते, बच्चे थोड़ी हैं ये, इनको पता नहीं क्राउड को हमने हैंडल कैसे कर रहा है हमने, नहीं देखिए मैं तो ये जेन बनाया हुआ था कि 350-300 प्लस कर लेंगे स्कोर, हमारे जो बॉलर है ना वो कम से कम इनको बाउंस करना चाहिए, क्योंकि बाउंस जब करते हैं ना इंडियन प्लेयर को, हाँ खिलाड़ी को, ये अपनी अनाप भी ईगो भी ले लेते हैं, ये इनको पुल करने जाते हैं उनको, वो ऐसे तो मैंने हाँ मैं सोचा कि चलो यार ऐसे आउट कर देंगे हम इसको, उनको ऐसे आउट कर देंगे, लेकिन हाँ दिल में था, लेकिन दिल में ही रह गया तो मेरे, नहीं मुझे पहले बात है इमरान जब आप आए थे उस टाइम पाकिस्तान स्टेबल था, मैं आपको कह रहा था कि पाकिस्तान स्टेबल पोजीशन में है, वो अलग बात है कि आपके आने के बाद हमें भी लगने लग गया, वैसे तो चेयरमैन पीसीबी भी उधर गया था, चेयरमैन साहब का तो जाहिर है वो अब उनके लिए कोई आज तक इशू नहीं हुआ, आप जीते हैं वो तुम हमारे हो, वो वाला मामला है, हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, कि इनको ना मुल्की वकार से कोई गर्ज है ना ही इनको अपने स्पोर्ट से कोई गर्ज है। आप ये देखें कि हम कई प्रोग्रामों में ये कह चुके हैं कि हमने एक फ्रेंड्स पर मबनी टीम भेजी है और वो रिजल्ट अब आना शुरू हो गए हैं, और पाकिस्तान कीनिया से हार जाए, जिम्बाब्वे से हार जाए, इमाम से इसलिए बस उसका नहीं देखिए, अगर आप इमाम मुझे लगता है वो ही बात जो साहब कहते हैं वो देखिए ना बड़े मैच में आप इस तरह के हैं। और अच्छा वो जो जिसके बारे में कहा जाता था जी वो तो इतना जबरदस्त स्ट्राइकर है आएगा और पहले ही विकेटें उड़ा देगा,
अगर आप उनकी बॉलिंग देखे ना, उनको स्कोर पड़ा, सिराज को पड़ा, उनके फास्ट बॉलर को, पर उसने अपनी लाइन ऑन नहीं छोड़ी, उसने विकेटें भी ली, विकेटें उसके बाद विकेटें भी ली उसने। अब ये नहीं कि वो उसको स्कोर पड़ा तो उसके बाद दबाव में आ गया, उसने और बुरी बॉलिंग की, उन्होंने वापस कम बैक करवाया। हालांकि रोहित शर्मा ने उसको मुसलसल ओवर करवाए सिराज को, अगर उसको देखे, अगर उसको स्कोर पड़ रहा था। कप्तानी का मामला ठीक है या नहीं है मैच में, मुझे ये बताएं सर। फ्रेंडली स्टाफ को बताया तो था पहले नहीं, कप्तान सर, कप्तान सर, हमारा कप्तान ही, कप्तान ग्राउंड में कप्तान नजर आया सर, मुझे तो नजर नहीं आया। फराज भाई क्या कहते हैं, बात पता क्या है, देखिए अब बैटिंग करते हुए तो कप्तान ने क्या करना है, जो एक बैटिंग ऑर्डर उन्होंने डिसाइड कर दी पहले, उन्हें उसी तरह भेजना है ना उसने। हाँ अगर यहाँ पर देखे ना, हमारे मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुए दोबारा बुरी तरह, बॉलिंग सर, बॉलिंग में तो आप देखे ना, अभी शुरू हुआ है और मार पड़ना शुरू हुआ है, कप्तान के पास जो तीन उनके पेसर हैं, उन्हें तीनों को आजमाना है, आजमाने के बाद अब जिसमें चाहे हसन अली हो, चाहे शहनशाह हो, चाहे हर्ष रो हो, कितने ओवरों में खत्म होगा बताएंगे सर? मेरे ख्याल से 30 ओवर बहुत है, 30 सर, जो रन रेट जा रहा है मुझे लगता है 25 ओवर में खत्म हो जाएगा। लेडी व्यूअर्स आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम यूं गए और यूं आए।